तो आज हम लोग क्लास 7 का अभ्यास 3 जो है परमाणु अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया इसके बारे में जानेंगे। हमने लिखा ऑक्सीजन, तो फिर चिन्ह का क्या मतलब? नाम हमने लिखा कार्बन, चिन्ह का क्या मतलब है? नाम लिखा हाइड्रोजन, चिन्ह क्या है उसमें? तो ये जानने से पहले एक उदाहरण सोचो। उदाहरण सोचो कि मान लो तुम में से किसी बच्चे का नाम है, मान लेते हैं सोनाली, सोनाली राजभर। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है सोनाली राजभर और तुम्हें बोला गया है 50 बार अपने नाम का हस्ताक्षर करो, ठीक? तो तुम क्या करोगे? तो तुम सोनाली राजभर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार लिखते 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 फिर तुम सोचोगे कैसा होता अगर हम सोनाली राजभर को सोनाली राजभर ना लिख के हम लिखते सिर्फ एस और आर, सिर्फ एस और आर, सोनाली का एस और राजभर का आर। तुम हो सकता है 10 या 15 बार सोनाली राजभर लिखने के बाद एस आर लिख दो। पर तुमने क्या किया, अपने नाम को चिन्हित किया कि जहां कहां पर भी कहीं पर भी अगर एस आर हो उसका मतलब होगा सोनाली राजभर। तो ये जो छोटा करके लिखना है, बड़े चीज को छोटे रूप में लिखने को ही हम लोग कहते हैं चिन्हित करना। अभी तक 118 तत्व आविष्कार हुए, अभी तक 118 तत्व आविष्कार हुए। तो ये जो 118 तत्व जो तुम्हें इस टेबल में भी देखने को मिल रहे हैं, इसे बड़े नाम की जगह छोटा चिन्ह रखा गया है और इन्हें सजाया गया। ये वाला सिंबल तुम लोगों ने देखा होगा, H2O, H2O मतलब वाटर, पानी। तो ये H क्या है, ये चिन्हित कर रहा हाइड्रोजन को। ये O क्या, चिन्हित कर रहा ऑक्सीजन को। तो अगर ये ऐसे ना लिख के अगर मैं ऐसे लिखता हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 देता और फिर यहाँ ऑक्सीजन देता तो क्या होता, तो क्या चलता? तो अगर मैं H2O चिन्ह ना बनाता तो मुझे वैसे लिखना था हाइड्रोजन फिर 2 फिर ऑक्सीजन। तो मान लो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया मुझे ये H2O या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे 10 बार लिखना होता तो मुझे 10 बार हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन लिखना होता। तो यही असुविधा को हल करने के लिए ही वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको छोटा करने के बारे में सोचा और इसे सबसे पहले बनाया था डेल्टन, सब उन्होंने चिन्ह बनाया था इस प्रकार से, एक गोल बना के एक बिंदी बना दिया तो ये हो गया ऑक्सीजन। कार्बन का मान लो एक गोल बना के उसको ऐसे काट दिया तो ये बन गया कार्बन, और हाइड्रोजन का बना गोल बना के ऐसे ये इस तरह से 3 बना दिए तो बन गया हाइड्रोजन। तो इस तरह से उन्होंने चिन्ह किया था, लेकिन सबसे ये चिन्ह जो है ये चिन्ह भी बाद में जाके इसको नकारा गया क्योंकि इसे याद रखना भी मुश्किल था और इसे बना लिखना भी मुश्किल था। लेकिन सबसे पहले चिन्ह की शुरुआत डेल्टन। तो अभी तक तुम तो ये जान गए कि चिन्ह क्यों जरूरी है, चिन्ह क्यों लिखना जरूरी है। बड़े नाम को छोटे रूप में, बड़े नाम को छोटे रूप, छोटे से रूप में लिखने को ही हम लोग चिन्ह कहते हैं। और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि इससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया लिखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है नाम का पहला अक्षर। तत्वों का जो अंग्रेजी में नाम होता है, तत्वों का जो अंग्रेजी में नाम है, उस अंग्रेजी में नाम का जो पहला अक्षर होगा उसी से उनका चिन्ह बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो इंग्लिश में नाम है तत्वों का, हिंदी में भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इसका स्पेलिंग है HYDRO। तो इसका पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है एच। तो इस हाइड्रोजन को चिन्हित होगा इससे एच, कैपिटल एच। यानी कहीं पर भी विज्ञान में अगर तुम देखो एच लिखा है तो उसका मतलब होगा वो हाइड्रोजन को इंगित कर रहा है, यानी वो हाइड्रोजन का चिन्ह है, क्लियर? ठीक उसी प्रकार से मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका पहला अक्षर कौन है, ओ। तो इसे हम चिन्हित करेंगे ओ से, ठीक। अब मान लो कार्बन, कार्बन का पहला अक्षर है सी, इसे हम चिन्हित करेंगे सी से, ठीक। उसी प्रकार से मान लो बोरॉन, इसको पहला अक्षर है बी, इसे हम चिन्हित करेंगे बी से, ठीक। उसी प्रकार से मान लो नाइट्रोजन, इसे हम चिन्हित करेंगे पहला अक्षर है एन, एन से, ठीक। इसी प्रकार से बाकी तत्वों को भी हम लोग, आयोडीन का आई, यूरेनियम का यू, क्लोरीन का एफ। तो सोचो क्या ये जो 100 हमारे पास 118 तत्व है, 118 तत्व है, क्या 118 तत्वों को हर एक तत्व के नाम को क्या इस तरह से उनके अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर से हम चिन्हित कर सकते हैं? सोचो थोड़ा, हमारे पास अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं, हमारे पास अंग्रेजी में सिर्फ 26 अक्षर हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा हर एक अक्षर के द्वारा 26 तत्व को ही चिन्हित कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करें, यानी रिपीटेशन तो हो गए, यानी यही है कार्बन मान लेते हैं, कार्बन है, दूसरा एक और तत्व है मान लो कैल्शियम, कैल्शियम एक तत्व है, कॉपर एक तत्व है। तो कैल्शियम हो या कॉपर हो, इन सबका पहला अक्षर सी है। तो अगर पहला अक्षर सी है
तो क्या कैल्शियम को भी हम सी से ही चिन्हित करें या कॉपर को भी क्या सी से ही चिन्हित करें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या तरीका निकाला गया है इस तरफ से इन तत्वों के नामों को चिन्हित करने का? ये तरीका अब देखो, तत्व जो है वो है कैल्शियम, सी ए एल सी आई यू एम। इसके नाम पे पहले दो अक्षर क्या है? सी और ए, क्योंकि सी से पहले ही तत्व हम लिख चुके हैं कार्बन। तो अब सी से अगर इस कैल्शियम को भी सी लिखेंगे तो दोनों में समझ नहीं आएगा कौन सा क्या है। तो इसीलिए नाम के पहले दो अक्षर, पहला वाला कैपिटल में ही लिखते हैं और दूसरा वाला स्मॉल। जो अंग्रेजी में जिस तरह से हम लोग नाम कोई भी नाम लिखते हैं पहले कैपिटल फिर स्मॉल, उसी तरह से नाम के पहले दो अक्षर को कैपिटल स्मॉल में लिखा गया। तो कैल्शियम का चिन्ह हो गया सी ए। फिर है देखो जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को क्या करेंगे हम, इसके पहले दो अक्षर ए एल लिखेंगे, ए बड़े हाथ का ए और छोटे हाथ का एल, एल्यूमिनियम। ठीक उसी प्रकार से है हीलियम, हीलियम एच ई, इस पहले इसका चिन्ह क्या होगा? तो ये उन तत्वों के नाम हैं जिन्हें हम उसके उनके अंग्रेजी के नाम के पहले दो अक्षरों द्वारा चिन्हित करते हैं, या उनका सिंबल जो है उनके नाम के अंग्रेजी के नाम के पहले दो अक्षरों द्वारा उनका सिंबल बनता है। नाम के पहले अक्षर और बीच में से किसी अक्षर, जब खास करके होता है तीसरा अक्षर, उससे चिन्हित किया गया है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम देखो, इसका पहला अक्षर है एम और दूसरा अक्षर है एम ए, यानी इसको हम पहले नियम के हिसाब से हमें एम ए लिखना चाहिए था। लेकिन एक और तत्व भी है जिसका नाम है मैग्नीज, एम ए जी एम ई, एम ई एस ई, मैग्नीज। अब ये इस तत्व का नाम भी देखो, इसका भी पहला अक्षर एम है और दूसरा अक्षर एम ए, इसको भी फिर हमें एम ए ही लिखना होता। तो ऐसे दो तत्व आ जाते जिनका पहला और दूसरा अक्षर सेम है, अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे लिखें? तो इस दुविधा को हल करने के लिए क्या किया गया, इसे एम ए और इसे एम ए नहीं लिखा गया, क्या किया गया, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर यानी एम मैग्नीशियम को लिखा गया एम जी और मैग्नीज को लिखा गया क्या देखो, पहला अक्षर और चौथा अक्षर एम एन। मैग्नीशियम को लिखा गया एम जी और मैग्नीज को लिखा गया एम एन। देखो इसके पहले के तीनों और इसके पहले के तीनों सेम थे, यानी इसका अगर तीसरा लिखा एम जी तो इसको भी क्या तीसरा लिखना चाहिए, इसका भी तीसरा लिखते थे एम जी ही होता, तो इसलिए क्या किया चौथा, यानी जहां सेम जहां तक सेम है वहां तक हटाने के बाद चौथा जो है एम एन, ये हो गया मैग्नीज। ठीक उसी प्रकार से है क्लोरीन, लेकिन चूंकि इसका पहला दूसरा और इसका पहला दूसरा कॉमन है इसलिए इसे हम सी एच नहीं लिखेंगे, इसे क्रोमियम को भी सी एच नहीं लिखेंगे, क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं पहला और तीसरा यानी सी एल क्लोरीन, और क्रोमियम को हम लोग लिखते हैं पहला और तीसरा यानी C और R क्रोमियम। ठीक यानी कहीं पे भी Cl हो तो समझना वो क्लोरीन है, कहीं पे भी Cr लिखा हो तो समझना क्रोमियम है, कहीं पे Mn लिखा हो तो समझना मैग्नीज है, कहीं पे भी Mg लिखा हो तो समझना वो मैग्नीशियम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आर्सेनिक है A R S E N I C, ये है पहला A और तीसरा है S A S, कहीं पे भी A S लिखा हो तो समझना आर्सेनिक है। जिंक जिसका हिंदी में जिसमें कहते हैं जस्ता, हम सुना होगा जस्ता, इंग्लिश में इसका नाम है जेड आई एन सी, जिंक का इसका चिन्ह होगा जेड पहला और तीसरा यानी जेड और एन जिंक। तो ये कुछ ऐसे नाम है तत्वों के जहां पे उन तत्वों के नामों के पहले और दूसरे अक्षर को ना लेके पहले और तीसरे या पहले या चौथे अक्षर को इस्तेमाल किया गया, तो इन सभी नामों को हमें याद रख लेना होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे तत्वों के नाम जानते हैं जिनको उनके लैटिन या ग्रीक नाम से चिन्हित किया गया। पोटेशियम, अब ये इंग्लिश का नाम है, अब ये जो है एक तत्व है जिसका इंग्लिश नेम है पोटेशियम, इसका लैटिन में, इसके लैटिन में जो नेम था, लैटिन में नेम था, यहाँ पे मैं एक और टेबल बनाया था, लैटिन नेम, लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में, लैटिन या ग्रीक भाषा में पोटेशियम को बोला जाता था कैलियम, पोटेशियम या पोटेशियम को बोला जाता था कैलियम। ठीक, तो कैलियम जो था उसका पहला अक्षर क्या है के, तो उसका सिंपल पड़ गया के, और आज भी हम लोग के जब भी बोला जाता है तो के को हम लोग पोटेशियम ही समझते हैं, उसको हम लोग लैटिन नाम का जो सिंबल था उसी नाम से के आया और के का सिंबल को ही हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। ठीक, जो अंग्रेजी का नाम है। ठीक उसी प्रकार से है सोडियम, सोडियम अंग्रेजी का नाम है, इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम था नैट्रियम, नैट्रियम जो था इसका लैटिन नेम था, इसको हम लोग सिंबल करते हैं एन ए के द्वारा, एन ए। फिर हुआ कॉपर,
इसका लैटिन या ग्रीक नेम था क्यूप्रम, ई आर यू एम, इसका नाम पड़ा, चिन्ह पड़ा सी यू, इसको हम लोग कहते हैं लोहा, ये भी इंग्लिश का नाम है, लेकिन ये भी जो है इसको जब आविष्कार हुआ था तब ये इसका नाम था फेरम, इसको बुलाते थे लैटिन या ग्रीक नेम है फेरम, और इसका चिन्ह है एफ ई, ठीक है। फिर सिल्वर या चांदी, इसका जो है लैटिन या ग्रीक नेम था अर्जिनियम था, ई आर जी ई एन आई यू एम, और इसको बोला जाता था ए जी, ए और जी। ठीक उसी प्रकार से है सोना या गोल्ड, इंग्लिश का नाम है, और इसका लैटिन नेम था अरम, ए यू आर यू एम, और इसका सिंबल था ए यू। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मरकरी, मरकरी या पारा, इसका लैटिन नेम था हाइड्रोजन, एच वाई डी आर ए आर जी वाई आर यू एम, हाइड्रोजन, और इसका सिंबल था एच और जी। केवल कुछ ऐसे नाम जानते हैं, ऐसे तत्वों के नाम जिनके नाम उन देशों के नाम पे रखे गए हैं जिन देशों में उनका आविष्कार हुआ, जैसे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। अब ये जो तत्व है इसका सिंबल है सी एफ, सिंबल है सी और एफ, और ये आविष्कार हुआ है कैलिफोर्निया, एफ ओ आर एन आई ए। जिस देश में कैलिफोर्नियम तत्व आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, वो है कैलिफोर्निया, इसलिए उस देश के नाम पे इसका नाम पड़ गया, सिंबल पड़ गया है सी एफ या कैलिफोर्निया। और उदाहरण है यूरेपियम, यूरोपियम, इसका सिंबल उसी प्रकार से है पोलोनियम, पोलो एन आई यू एम, सिंबल है इसका यो, अम्ब्रेशियम है ए एम ई आर आई सी आई। अब कुछ ऐसे तत्वों के नाम जानते हैं जो आविष्कार हुआ है साइंटिस्ट के नाम पे, थोरियम, बीओ एच आर आई बोरियम। अब ये जो है साइंटिस्ट का नाम क्या है, ओ नील बोर के नाम पे ये नाम पड़ा है तत्व बोरियम, जिसका सिंबल है बी एच, ठीक। ठीक उसी प्रकार से नाम है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड आइंस्टाइन के नाम पे ई ई आई एन, और इसका सिंबल है ई एस। ग्रहों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं, नाम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले यूरेनियम, यूरेनियम यह है यूरेनस, यूरेनस जो ग्रह है उसके नाम पे इसका सिंबल है यू, ठीक। फिर है नेपच्यूनियम, टी यू एन आई नेपच्यूनियम, यह है नेपच्यून के नाम पे, नेपच्यून ग्रह के नाम पे इसका सिंबल है एन पी। और लास्ट वाला है प्लूटोनियम, यह है प्लूटो, प्लूटो जो ग्रह है उसके नाम पे पड़ा है प्लूटो, इसका सिंबल है पी यू। तो ये जो टेक, तो ये जो हमने अभी देखा, ये कुछ तरीके हमने जाने कि किन तरीकों से किसी भी तत्व को लिखा जाता है, उसके सिंबल को, उसके चिन्ह को किस तरह से किन तरीकों के द्वारा लिखा जाता है, ये हमने जाना।